लेकिन सभी साइंस के लिए होगी। जनरल होने की वजह से सभी के साथ मैच नहीं करेगी, कुछ मैसेजेस आप लोगों के साथ मैच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग जनरल होगी और सभी साइंस के लिए होगी एंड टाइमलेस ऑल्सो, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद या कुछ महीनों या हफ्तों बाद पहुंचते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये तभी आपसे मैच करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ एंड रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए वो मैसेजेस जो स्पेशली आप लोगों के लिए होते हैं। ओके, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा? ओके, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा? ओके, पहला जो कार्ड आया है वो है जजमेंट का। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, जजमेंट, चलिए आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा? ओके, मैजिशियन, दोनों ही कार्ड्स इतने अमेजिंग हैं, वेरी ब्यूटीफुल। ओ वाओ, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोड्स, ठीक है। चलिए, ओके, वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स, सारे ही कार्ड अच्छे आए हैं। अब तक एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं ये कह दूं कि कुछ यहां पर नेगेटिव है, नहीं, ये सारे ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। और आपके यू नो भाग्य में जो है, आपका भाग्य कितना ब्राइट है, यानी आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है वो कितनी अच्छी है, ये यहां पता लग रहा है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी ऑफ डेक है थ्री ऑफ कप्स, अमेजिंग। व्यूअर्स, आपके भाग्य में क्या है जो आपको मिलकर रहेगा? आपके भाग्य में वो सब कुछ है जो एक इंसान डिजर्व करता है, जो उसे मिलना चाहिए, वो सारी खुशियां हैं आपके भाग्य में, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। एज सच कोई बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी, आपकी जो लाइफ है वो हमेशा आपको सरप्राइजेस देगी, खुशियां देगी और अबंडेंस देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पहली बात तो व्यूअर्स, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, काफी आध्यात्मिक इंसान है, काफी स्पिरिचुअल इंसान है, और हम कह सकते हैं कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी नॉलेजेबल हैं। ये कुछ शब्द हैं जिनसे मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगी या डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि आप थोड़े आध्यात्मिक हैं, थोड़े स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा डिवाइन से कनेक्शन रखते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं रहते, उन पर बिलीव कम करते हैं, और बिलीव कभी कभी उठ भी जाता है डिवाइन से या यूनिवर्स से, या जो एनर्जी है डिवाइन एनर्जी उससे कभी कभी लोगों का विश्वास उठता है, लेकिन आप थोड़े कनेक्टेड रहते हैं डिवाइन से और इसीलिए आप थोड़े स्पिरिचुअल हैं, यानी कि आध्यात्मिक हैं। और इसी स्पिरिचुअल होने की ही वजह से आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और यहाँ पर नॉलेज भी आप अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल। तो यहाँ आप थोड़े स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हैं, जो बिलीव करते हैं चीजों पर, जिनको फेथ है, ट्रस्ट है, और जो डाउट नहीं करते। तो यहाँ आप मुझे ऐसे एक इंसान लग रहे हैं, ठीक है। यू आर वेरी मैजिकल इन योर सेल्फ ऑल्सो, यू नो दैट यू आर वेरी मैजिकल, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स आपका भाग्य ऐसा है कि आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो जरूर आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपको सच्चे दिल से फोकस करके चाहने की जरूरत है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने चाही लेकिन आपको मिली नहीं,
वहां पर कारण यह है कि आपने वो दिल से चाहा है या नहीं, आप सच में वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, या आपका फोकस कैसा है उस चीज पर, ठीक है। तो सारी बातों को यू नो कंसिडर करते हुए आपकी विश जरूर पूरी हो सकती है अगर सारी बातें वहां पर अप्लाई हो रही हैं तो। तो आपकी विश यहाँ आसानी से पूरी हो सकती है, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल सकता है, बिकॉज यू आर अ गुड मैनिफेस्टर ऑल्सो, यानी कि इतने आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल होने की वजह से, डिवाइन से कनेक्टेड रहने की वजह से यहाँ पर आप जो अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में वो आप इजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इजिली आपको आपकी लाइफ में मिल सकता है, ठीक है। इट जस्ट नीड इनफ फोकस एंड इनफ अटेंशन चाहिए, ओके। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी व्यूअर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। मुझे यहाँ पर एक सुप्रीम प्रोटेक्शन एंड सुप्रीम गाइडेंस लग रही है आपके साथ, ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ जो हमेशा क्या सही करना है आपको वो बताते हैं, और आप उस एनर्जी को, आप उस मैसेज को इंट्यूटिवली ग्रैब करते हैं। क्यों? आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी अच्छी है, क्यों आप इंट्यूटिव मैसेजेस को ग्रैब कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आप थोड़े स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प बहुत कर रही है, जस्ट बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आप उस पर चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ ये आपको हेल्प बहुत कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपको व्यूअर्स ब्लेस करते हैं, यानी कि हमेशा आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आप जो करते हैं वो काम डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहता है, आप जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो एक्टिविटी यू नो डिवाइन इंटरफेरेंस में होती है या डिवाइन टाइमिंग में होती है। तो समवेयर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड पर्सन है, इसीलिए आपकी लाइफ मुझे इतनी सकुशल दिख रही है। ऑल्सो इतना स्पिरिचुअल होने की वजह से आप हीलर हैं, ओके। तो यू हैव द एबिलिटी टू हील पीपल, यानी कि आप में वो एबिलिटी है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं। अब हीलिंग का मतलब यही नहीं है कि आप एक स्पिरिचुअल वर्कर हैं या आप हीलर हैं या आप कुछ कार्य करते हैं ऐसा जो आपका प्रोफेशन बन गया है, नहीं। यह हीलर होने का मतलब यह है कि आप में वो क्वालिटी है कि कोई आपके साथ समय बिताएगा, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसे रिलैक्स फील होगा। आप में वो क्वालिटी है तो कोई आपसे अपनी बातें शेयर करेगा तो उसका दिल बहुत ही सुकून से भर जाएगा। आप में वो क्वालिटी है कि आप किसी स्ट्रेंजर को भी मिलेंगे और दो मिनट में लगने लगेगा उसको कि ये पर्सन कुछ अपना अपना सा लग रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज आप में है, ओके। तो एक हीलर की क्वालिटी है। तो यहाँ पर डिवाइन ने व्यूअर्स आपको बखूबी अच्छी लाइफ से यू नो ब्लेस किया है, ओके। आपकी लाइफ इतनी अच्छी की है, आपको अभी शायद ऐसा रियलाइज ना होता हो, लेकिन लेटर ऑन यू विल रियलाइज दैट यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन एंड यू शुड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल, बी इन ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। अब आपके जीवन में क्या है जो आपको मिलेगा? पहली बात तो यहाँ आप काफी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों को हील कर सकते हैं अपने जीवन में, और वो सारी जो लोगों को हील करने की ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपको ही मिलेंगी, यानी कि आप सोसाइटी में कार्य ऐसा कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रहा है, खुशियां इतनी बांट रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही हैं। हो सकता है आप एनिमल्स के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि यू नो वो बोल नहीं सकते या वो भूखे ना रह जाएं या उनको कोई तकलीफ ना दे, कोई हार्म ना करे उन्हें बिना बात के, कोई बांध के ना रखे, कोई पीटे ना उन्हें, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। तो समवेयर आप यहाँ पर थोड़ा नेचर को प्यार करते हैं। आई हैव सीन पीपल जो बहुत नेचर लवर करते हैं, बट they don't understand they are nature, okay? How can you love nature when you are nature? You cannot love someone that you can say that I love myself, okay? But that doesn't make any sense. You love yourself, which means you accept yourself, okay? You love yourself doesn't mean that you are another entity, okay? And you are loving yourself again, making it too. So I'm saying it, मैं ऐसा कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मुझे nature से प्यार है, विदाउट रियलाइजिंग कि वो खुद नेचर हैं, ओके? क्या है आपकी बॉडी, किन तत्वों से बनी है। तो यहाँ पर आप खुद ही नेचर हैं, नेचर और आप एक ही हैं, it's all one thing, एक ही यूनिट है, it's in a one unit, ओके? तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक ही यूनिट है, मैं और नेचर अलग नहीं है, मैं ही नेचर हूँ और नेचर ही मैं हूँ। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको अलग से फील नहीं करना पड़ता दुख दर्द दूसरों के लिए, एम्पथी जो आपके अंदर है वो आपको अलग से महसूस नहीं करनी पड़ती पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए या वृक्षों के लिए या नदियों के लिए, आपको अलग से कोई एम्पथी नहीं रखनी पड़ती। यू आर लाइक दैट, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं समवेयर दैट मैं ही हूँ नेचर और नेचर ही मैं हूँ, तो ये डिफरेंट एंटिटीज नहीं है, पीपल आर समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप मुझे काफी अर्थ हीलर भी लग रहे हैं, या लाइक अपना एनवायरनमेंट का भी बहुत भला चाहते हैं, एनवायरनमेंट ठीक रहे तभी यू नो एक लाइफ यहाँ पर जिंदा रह सकती है। तो आप बहुत ही सोचते हैं कि कोई पानी वेस्ट ना करे, यार आप इतना
इतना कचरा ना करें. काफी लोग मैंने देखा है कि दे आर जस्ट हिटिंग ऑन विद वर्ड्स लाइक प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक इज हार्मिंग द एनवायरमेंट, प्लास्टिक इज हार्मिंग द एनवायरमेंट. व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक अबाउट एनवायरमेंट बट आई ऑल्सो थिंक अबाउट डेवलपमेंट. सो आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन हु बिलीव्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यहां पर आपको प्लास्टिक बैन नहीं करनी होती है. ओके, प्लास्टिक से आप वॉर में क्यों चले गए? देखिए, प्लास्टिक हार्मफुल है ओनली वेन यू बर्न इट, ओनली वेन यू थ्रो इट अवे. तभी तो वो यू नो हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए, फॉर पीपल एंड फॉर द एनिमल्स अराउंड जो कचरे में से खाना खा लेते हैं. तो यहां पर उनके लिए प्लास्टिक बुरी है, बिकॉज यू आर बर्निंग इट समवेयर, यू आर बर्निंग टायर्स एंड यू आर डूइंग थिंग्स एंड यू आर बर्निंग यू नो प्लास्टिक बैग्स एंड ऑल. तो यहां पर तब एनवायरमेंट को नुकसान होगा, जब आप फेंक देंगे उन्हें ऐसे ही पॉलीथीन्स को, तब नुकसान होगा. लेकिन पॉलीथीन कितनी, ये प्लास्टिक बैग्स हैं या फिर ये जो चीजें हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझिए. प्लास्टिक इसीलिए यू नो इंसान के लिए इतना हेल्पफुल है क्योंकि इंसान उसमें चीजें लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकता है, उसको वाटर से, एयर से, चीजों से प्रिजर्व कर सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, और काफी चीजों को यू नो कैरी करता है और अफोर्डेबल होता है, चीप होता है, हैंडी होता है और यू नो कहीं भी फिट हो जाता है अगर वो खाली है तो. यू नो हम प्लास्टिक बैग्स की बात करें अगर तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि क्लास नहीं है इसलिए बेनिफिट्स नहीं गिनाऊंगी मैं. लेकिन यहां पर आपको यहां पर सीखने की जरूरत यह है कि हमें प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए. वी शुड हैव इनफ मशीनरी, वी शुड हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर और वी शुड हैव इनफ फैसिलिटीज टू रिसाइकल प्लास्टिक, टू कलेक्ट प्लास्टिक एंड टू रिसाइकल अगेन, सो दैट वी शुड नॉट, सो दैट पीपल कैन नॉट थ्रो इट, सो दैट पीपल कैन नॉट थ्रो इट ऑन डस्टबिन, पीपल कैन नॉट थ्रो इट ऑन रोड्स, पीपल कैन नॉट बर्न इट. तो यहां पर हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रखें कि प्लास्टिक बुरा नहीं है, इट्स जस्ट द यूजेज, हाउ यू यूज इट. तो यहां पर आपकी भी थिंकिंग काफी क्लियर है कि आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है लेकिन डेवलपमेंट को आपको यू नो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. इट्स आई थिंक इट्स वेरी वियर्ड पीपल. ओके, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट यू नो मैटर. यहां पर आपके भाग्य में व्यूअर्स यही सारी चीजें हैं कि आप यू ना आप लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि जो लोगों को दिखेगा कि यार इसकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग सोचता है इंसान, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और अच्छा सोचता है. अब देखिए व्यूअर्स, आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी. आप जो भी चीज करते हैं आप जीतने के लिए करते हैं, ठीक है, यहाँ विक्ट्री का कार्ड है. चाहे आप अपना करियर फॉलो करेंगे, करियर कुछ भी हो, आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, कोई आपकी हॉबी है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप कोई न्यू डिसीजन लिया है कुछ स्टार्ट करने का, या आपका कोई लव कनेक्शन है या कोई इंटरेस्ट है. शुरू में आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि कभी आप कुछ ज्यादा कर दे रहे हो और कभी आप एकदम ही कोल्ड हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो. लेकिन यहां पर आप जब जैसे ही बैलेंसिंग एनर्जी में आएंगे ना व्यूअर्स, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. जब जब आप अपने जीवन में ज्यादा इमोशनल होंगे, आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इट्स नॉट माई 100%. और जब भी आप अपनी लाइफ में ओवर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ओवर रैशनल हो जाएंगे, स्टिल इट विल बी द सेम थिंग कि यू विल लैक इन समथिंग That you need the most, ठीक है. तो आपको लगेगा कि नहीं कहीं कुछ कमी है, यहाँ पर अभी भी incomplete है. तो reason होगा यहाँ पर stability नहीं है. Stability किससे आएगी? Balance होने की वजह से आएगी. तो आपको balance रहना है life में, फिर जो चाहे आप manifest करेंगे, आपको हर क्षेत्र में victory मिलेगी, यानी कि जीत मिलेगी. Okay? No matter in which field you are, whatever the field you are in, यहाँ पर आपको victory जरूर मिलेगी. Okay? तो यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर काफी लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, नो मैटर कि वो आपके कितने ही वेल विशर होने का यू नो क्लेम करते हैं. क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लोगों को ऐसे चूज करते हैं, यानी कि आप बहुत ही यू नो सिलेक्टिव हैं, बहुत ही चूजिंग हैं व्हेन इट कम्स टू चूजिंग पीपल लाइक योर फ्रेंड्स, लाइक योर पार्टनर. तो आप यहाँ पर बहुत ही चूजिंग हैं, आप देखते हैं कि कौन इंसान मैनिपुलेटिव है, कौन नहीं है, कौन हिपोक्रेसी यू नो कौन करता है. तो आपको ऐसे पसंद नहीं लोग जिनके दो चेहरे होते हैं, जो यू नो कोई गरीब आदमी देखते हैं तो उसके सामने बड़ा बनने की कोशिश करते हैं कि लाओ मैं बड़ा हूं, मैं आपकी हेल्प करता हूं. और जो अमीर आदमी देखते हैं तो अचानक से बहुत ही ज्यादा छोटा बनने की कोशिश करते हैं. नहीं, आप देखते हैं लोगों को कि ऐसे लोग जो हैं वो समवेयर ठीक नहीं है आपके लिए. बहुत जल्दी यू नो एक तो लोग होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और एक होते हैं कि सिचुएशन मौका पाते ही अपने आप को बदल देते हैं. तो आपको फर्क रखना है इन लोगों में, और आप ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखते हैं जो मैनिपुलेटिव हैं थोड़े. ओके,
जो दो चेहरे रख सकते हैं आपके साथ रह के भी, तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे और वो लोग लेकिन आपको ये दिखाएंगे हमेशा कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपका भला चाहते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप सच को एंटरटेन करते हैं, आपको ऐसे लोग ही चाहिए जीवन में, चाहे एक ही क्यों ना हो इंसान, चाहे एक ही दोस्त क्यों ना रह जाए, चाहे दो ही दोस्त क्यों ना हो आपके जीवन में, ज्यादा ग्रुप नहीं हो आपका, लेकिन आप उन दो लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन कि पूरी भीड़ है मेरे साथ लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। तो ऐसा आप नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो आप सच बोलते हैं, सच को एंटरटेन करते हैं, बिकॉज आपको लगता है कितना भी कड़वा क्यों ना हो सच सच कह दो प्लीज। तो यहाँ पर आप आप यहाँ पर आपके जीवन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप हर क्षेत्र में जीतते जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो भाग्य है व्यूअर्स बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? यहाँ पर आप हमेशा सच को एंटरटेन करेंगे, सच को ही सुनेंगे, चाहे आप जीवन में कई समय पर अपने आप को अकेला पाएंगे लेकिन फिर भी आप सच का साथ देंगे और ये आपको आगे जाके विक्ट्री दिलवाएगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। डिवाइन से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसलिए आपकी सारे विशेष पूरी होंगी, ये मैंने आपको बोल दिया है। यू आर अ हीलर और आप लोगों को हील कर सकते हैं, इसीलिए आपको हीलिंग लोगों की मदद करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, बिकॉज समवेयर इट विल कम बैक टू यू, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा आपके पास वापस वो, ठीक है? यहाँ पर लेकिन एक चीज है, जब जब आप बैलेंस खो देंगे अपने जीवन में इमोशनल और रैशनल का, तब तब आप लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में लैक करेंगे। ओके, यू लैक इन समथिंग इफ यू विल लूज अ बैलेंस। आपको बैलेंस लूज नहीं करना है, मेंटेन रखना है बैलेंस को, ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको अगर यहां तक पहुंच गई हूं, काफी लोग पूछेंगे ये तो बताइए कोई हमें कि इमोशनली बैलेंस हुआ कैसे जाता है। देखिए, जब आप किसी से प्रे करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, डिवाइन से कुछ मांगते हैं, तो कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए ना मांगू, अपने परिवार के लिए मांगू, अपने बच्चों के लिए मांगू, अपने स्पाउस के लिए मांगू, ओके, अपने पार्टनर और फ्रेंड्स के लिए मांगू, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं इमोशनली कितना अच्छा हूँ, मेरे इमोशंस कितने प्योर हैं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं सामने वाले के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन समवेयर मैं आपको कहूंगी ये भी इमोशनली बैलेंस होना नहीं हुआ आपको, आपने क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल आपकी फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल आपके फ्रेंड्स, या फिर सिलेक्टिव पर्सन लाइक योर स्पाउस, ओके ओके लाइक पीपल लाइक दिस, तो यहाँ पर आप ना सिलेक्टिव सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मांग रहे हो, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि आप सभी के लिए नहीं मांग रहे, यानी कि आप जो पूरी अर्थ है, यानी कि पूरी जो जीव है, सारी लाइफ जो है यहाँ पर इस प्लेनेट पर, आप उनको अपना नहीं मान रहे, जबकि आपने आपको यहाँ पर ये चीज रियलाइज करनी है कि आप ही नेचर हो और नेचर ही आप हो, तो ये कुछ अलग तो नहीं है ना। जब मान लिया, जब समझ लिया कि ये एक ही यूनिट है, तो फिर सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल का क्यों भला चाहना? अगर आपको प्रे करने का कैपेसिटी है, अगर प्रे करने की एबिलिटी है, प्रे करने की फ्रीडम है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके, तो यहां पर अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं ही, तो आप सबके लिए मांग लीजिए। आप ऐसा मांग लीजिए कि दुनिया पर कोई भी जीव, दुनिया में कोई भी इंसान परेशान है, भूखा है, दुखी है, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, प्लीज आप सबको खुशियां दे दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर दीजिए, ओके? जो इंसान के पास खाना नहीं उसे खाना दीजिए, कुछ मतलब आप सबके लिए अगर मांग रहे हैं, सबके ग्रोथ के लिए, सबकी खुशियों के लिए मांग रहे हैं, देन यू आर इमोशनली बैलेंस। तो इसीलिए यहाँ पर फर्क होता है, हम सोचते हैं हम फैमिली के लिए कर लें, दूसरों के लिए कर लें, और हम बहुत ही सेक्रीफाइस किया हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा मान के जीने लगते हैं। आई थिंक इट्स ऑल इल्यूजन, आपको इसमें नहीं जीना है। अगर आपको सच में लगता है कि आप इमोशनली बैलेंस होना चाहते हैं, तो फिर आप सबके लिए मांगिए, ओके, सबके लिए मांगिए। और अगर गलती करते हैं, तो सिर्फ दूसरे ही नहीं करते, आपके अपने भी गलती करते हैं, और अपने लोगों की गलतियों को डिफेंड नहीं करना है आपको, जस्ट बिकॉज दे आर क्लोज टू यू एंड समवन एल्स इज नॉट, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसा करते हैं हम कि हमसे जो क्लोज होता है उसको हम फेवर कर लेते हैं, और जो हम जो जिसको हम जानते नहीं है, नो मैटर हाउ मच राइट, नो मैटर वो कितना सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको समय बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो पर्सन है वही ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, कहीं कहीं ये भी हमको इमोशनली डिसबैलेंस करता है। और इंटेलेक्चुअली आपको जो रैशनैलिटी है आपकी, यहाँ पर मैंने कहा है कि ओवर रैशनल नहीं होना है, या फिर कम नहीं होना है, एकदम सफिशियंट अमाउंट में होना चाहिए आपको रैशनल, यानी कि जो लॉजिकल लॉजिक है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी लाइफ में टू बी बैलेंस पर्सन। तो यहां पर आप प्रैक्टिकल और रैशनल इस तरह से रह सकते हैं, यहाँ बैलेंस फॉर्म, कि जब जरूरत है ह्यूमैनिटी करने की, जब जरूरत है आपका ह्यूमन नेचर बाहर आने की, तब आपको ब्रूटली अपनी प्रैक्टिकलिटी और रैशनैलिटी नहीं थ्रो करनी है लोगों पर, इम्पोज नहीं करना है कि आप कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने रैशनल हैं। हमेशा प्रैक्टिकलिटी और रैशनैलिटी काम आती है
एनालिसिस के लिए, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन. और हम एनालिसिस और इवेल्युएशन क्यों करते हैं? ताकि हम कंक्लूजन बना पाए, ताकि हम जजमेंट्स बना पाए और ताकि हम डिसीजंस ले पाए, बिकॉज डिसीजंस आर आल्सो जजमेंट्स. तो यहां पर हम एनालिसिस एंड इवेल्युएशन इसीलिए करते हैं ताकि हम कंक्लूजन पर आए, ताकि निष्कर्ष पर आए बातों के, और हम बातों को लेके डिसीजंस ले पाए, जिसे हम कहते हैं जजमेंट बना सके, कोई जजमेंट ले पाए. तो ये करने के लिए आपको इनफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी चाहिए, इनफ लॉजिक चाहिए, इनफ प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जो आपके अंदर होनी चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू पीपल, कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों के इमोशन के साथ कैसे डील करते हैं, तो वहां आपको ब्रूटली रैशनल नहीं होना है. ओके, समवेयर आपको वहां पर अपनी ह्यूमैनिटी के साथ चलना होगा. तो आपको बैलेंस रखना है कि भाई जब इवैल्यूएशन और एनालिसिस करना चाहिए फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर फ्यूचर, ओके, आप आगे के लिए फैसले ले रहे हैं, ओके, तो तब आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को यूज करिए, रैशनैलिटी को यूज करिए इन अ वेरी गुड अमाउंट. लेकिन जब जरूरत नहीं है, जहां पर इमोशंस की बात है, जहां पर यू नो केयर की बात है, कंपैशन की बात है, अफेक्शन की बात है, वहां पर आप अपनी रैशनैलिटी को थोड़ा दूर रखिए, ओके, कीप इट अवे. तो ये ऐसा है, कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने व्यर्थ का ज्ञान दिया है, लेकिन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो सच में जानना चाहते थे कि इमोशनली बैलेंस होना कैसे है. काफी लोगों ने कह दिया कि इमोशनली बैलेंस हो जाइए, बट हाउ टू बी. तो यहां पर उन लोगों के लिए काम की चीज रहेगी जिनको लगता है कि सिर्फ कुछ बातें पता लग जाए एंड देन आई एम डन. तो ऐसा नहीं है. अगर आपको जानना है कि कैसे, तो ये उनके लिए था. ओके, तो व्यूअर्स, मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलने वाला है. इनफैक्ट मैं कहूंगी कि फुल ऑफ लाइफ रहेंगे आप, यानी कि मजे बहुत करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो डेक है, ओवरऑल जो एनर्जी है, वो है थ्री ऑफ कप्स, यानी कि सेलिब्रेशन. आपके डेस्टिनी में व्यूअर्स पूरी लाइफ आपकी सेलिब्रेशन की तरह निकलेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन आप उनको हंसते हंसते निकाल देंगे. यानी कि आप हमेशा प्रॉब्लम में टूटेंगे नहीं, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे, और हो सकता है वो आपसे कहें कि आपने तो क्या ही प्रॉब्लम देखी होगी हम जो फेस कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखी है, आपने भी फेस की. इट्स जस्ट दैट यू डोंट कंसिडर इट दैट मच. ओके, आप उसे इतना कंसिडर नहीं करते कि लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में दोबारा बात की जाए जो बीत गई है. आई थिंक दैट्स वेरी अनॉइंग. मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि आप इसको फटाफट छोड़ दीजिए. आई नो समय लगता है चीजों के साथ डील करने में, लेकिन यहाँ पर ये काफी अनॉइंग हो जाता है कि जो प्रॉब्लम हो चुकी है, हमने उसको उस वक्त झेला तो बहुत पेन हुआ था हमें, और अब हम उस मेमोरी को रिक्रिएट करते रहते हैं दिमाग में टू फील दैट पेन अगेन. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप हंसते हंसते उन प्रॉब्लम्स को निकाल देंगे और पूरी लाइफ सेलिब्रेशन की तरह रहेगी. तो डिवाइन से कनेक्टेड है व्यूअर्स, इसीलिए इतना एंजॉयमेंट और इतना सपोर्ट और इतनी केयर और इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ. आपको भी ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए. ओके, रीडिंग जो है व्यूअर्स बहुत अच्छी निकल कर आई है, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूं. तो अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर. ओके, और कमेंट करके बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा रीडिंग के लिए. और आज मैंने काफी जल्दी जल्दी बोला है, मुझे अभी रियलाइज हुआ. शायद काफी लोगों को समझ में ना आया हो, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी, इतना फास्ट फास्ट जाने की जरूरत नहीं होती है, आराम से बोलूंगी. ओके, और सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस देती हूँ, चैनल मैसेजेस देती हूँ. ठीक है व्यूअर्स, कभी कभी लोग आप लोग बोलते हैं मैम आपने कोई इंट्यूटिव मैसेज नहीं दिया आज. देखिए व्यूअर्स, जब रीडिंग हम कर रहे होते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेज आपको मिल जाते हैं. इट्स जस्ट दैट मैं मेंशन नहीं कर रही होती हूँ उस वक्त कि मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला है. ओके, इट्स अप टू यू कि आप समझें कि मैसेज जो मुझे मिलते हैं मैं आपको बता देती हूँ. ओके, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आई थिंक योर लाइफ इज अ पार्टी. एंजॉय. बाय बाय.